कुछ ऐसी हुई कि प्यार किसी और से करता था लेकिन मंगनी हो गई कहीं और। तब से ही वाइट है, जैसे चुप रहना इसका राइट है। ऊपर से एंड गया बेचारा, वो भी सारे कहां सारा। बाकी रह गई मैं, सब तो कह गई मैं, अब चुप रहूंगी मैं हंगामा। नए नए राज खुलेंगे, दिल में फूल खिलेंगे, सीट से तो हिलना होगा, जाके लड़के वालों को मिलना होगा। क्या हो गया भाई, मर गए? पकड़ा गया क्या? डैड ने मेरी शादी तय कर ली है यार। शादी किससे, कहाँ? पाकिस्तान में। दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया, तुझको कहीं ना। हाँ हेलो एहसान। हेलो मम्मी, सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? एवरीथिंग ओके? जी जी सब कुछ ठीक है मम्मी। मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए फोन किया था। बोलो मम्मी। आपको रिजवान याद है, मेरा पुराना दोस्त? उसका फोन आया था, उसने अपने बेटे के लिए दानिया का हाथ मांगा है। दैट्स सो नाइस। बड़ा अच्छा लड़का है, मैं तो उससे मिल चुका हूँ, बट हाँ करने से पहले मैं चाहता हूँ दानिया उससे मिल ले। अच्छा, क्या करता है लड़का, क्या नाम है? मम्मी उसका नाम सैयद रोहान करीम है और दानिया की तरह उसने भी फिल्म मेकिंग पढ़ी है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तो क्या रिजवान वगैरह यहाँ आ रहे हैं या मतलब क्या? ये लड़का अपने छोटे भाई के साथ आ रहा है दानिया से खास मिलने। तुमने दानिया से बात की? अगर मैं वहाँ होता तो मैं दानिया को बता देता। मैं वहाँ हूँ नहीं, तो आप जरा उससे बात कर लिए कि लड़के से मिल ले। ओके। भाई वैसे सर मुझे खुल के बताएं, डैड ने बोला क्या था एग्जैक्टली? शायद आपने सही से सुना ना। क्यों, मैं बह रहा हूँ? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि देसी पेरेंट्स अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। मतलब सीरियसली, अगर आप एक लड़की से शादी नहीं करेंगे तो आपको घर से निकाल देंगे। फिल्मी, वेरी फिल्मी। हाँ यार, डैड ने वाजे तौर पर बोला कि अगर मैंने पाकिस्तान वाली लड़की से शादी ना की तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चलते बन, तेरा भाई तुझसे दूर चला जाएगा। फ्रेडी भाई, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं हूं ना। दादू, क्या कर रहा है मेरा बच्चा?
दादू मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रही हूँ, याद है मैंने आपको बताया था। बस उसका स्क्रिप्ट जो है ना, उसका फाइनल ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने अपने आप को बता दिया कि जब तक आज स्क्रिप्ट रेडी नहीं होगा ना और फाइनल नहीं होगा, आज मैं नहीं सोऊंगी। ओके, दैट्स गुड, यू वर्किंग ऑन बलोच कल्चर। यू नो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए अब्रॉड में एक लड़का पसंद किया है तुम्हारे रिश्ते के लिए, और वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। आई लाइक इट, या बलोची कल्चर मुझे पसंद है। आप मजाक कर रहे हैं? नो नो, एक्चुअली आई लाइक बलोच कल्चर। दादू अगर नहीं पसंद आया तो ना कर देना, मिलने में क्या हर्ज। दादू आपको पता है मुझे शादी नहीं करनी है, इससे हो किसी और से हो, और बाबा ने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब कुछ करने से पहले। बिल्कुल गलत, तो सरासर ब्लैकमेलिंग है, वो भी आप जैसे नाइस और शरीफ इंसान के साथ। प्रोटेस्ट करूंगा मैं इसके खिलाफ। हाँ यार फ्रेडी, तू ही ना कुछ समझा, मेरे फ्यूचर प्लान्स, करियर सब खत्म हो जाएंगे यार। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी मुझे लात मार के घर से निकाल देंगे सब सामान के साथ, या फिर मुझे अकेले को पाकिस्तान भेज देंगे हमेशा के लिए। ये कोई सही बात है यार? जाती है, सेहती तो है, लेकिन लेकिन क्या बेहतर इसी में आप शादी कर लें। डरपोक, डैड के डर से पार्टी बदल ली? नहीं भाई, मैं चाहता हूँ शादी के बाद हम सब मिलजुल के रहें, साथ साथ रहें। अगर आप अकेले पाकिस्तान गए तो मामा जी का आपको पता है ना, उनके साथ रहना पड़ेगा। झाड़ू तक लगवाएंगे आपसे, वो पागल कर देंगे वो आपको। मामा जी, भाई आप शायद भूल रहे हैं कि आपके अकाउंट में सिर्फ 20,000 मन्नत रह गए। तुझे क्या पता? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ऑप्शन टू सुने। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपके डेली का खर्चा 200 है, उस हिसाब से आप सिर्फ 100 दिन रह सकेंगे। और अगर आपने यहाँ पे अपार्टमेंट लेने का सोच लिया फिर तो से नाम क्या है उसका? तानिया एहसान। इंस्टाग्राम पे है? हट यार फ्रेडी, मुझे क्या पता, होगी। अजीब सवाल पूछता है। भाई मिल गई, भाई 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 भाई, बात तो सुने भाई, देखी तो सही, कितनी प्यारी है। नहीं देखना भाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है और छोटे मोटे अवार्ड भी जीत चुकी है। वो ऑस्कर भी जीत जाए ना तब भी नहीं करनी शादी। क्यों? मैं घर से निकलना, सड़क पर रहना बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन देसी लड़की से शादी हरगिज नहीं। हाँ तो अच्छा है ना, उनको बताएं कि आप रोड पे रहना पसंद करेंगे लेकिन देसी लड़की शादी नहीं करेंगे। उठाएं उठाएं। जी डैड। हाँ तुम दोनों कहाँ गए? वो घर ही आ रहे थे डैड। जल्दी पहुंचो, वेट कर रहा हूँ। डैड वो आपसे एक बात करनी थी। क्या हो गया बको? डैड वो मैं ना ये शादी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा करो कि मेरे दिए हुए सारे कार्ड्स, गाड़ी की चाबी, मेरे दिए हुए कपड़े सब यहाँ लाकर जमा कराओ और फौरन से पहले फूट जाओ। सुनो, अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स के फैसले पर एतबार नहीं है तो तुम्हें इस घर में रहने की भी जरूरत नहीं है। ओके, आई गिव यू 1 आवर, 1 घंटा तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो। ओके मेरी डार्लिंग, मेरी चिपमंको, और शाबाश।
क्या हुआ, मान गए? हाँ तो ठीक है, मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी बस हो गई है। भाई सलूशन देता हूँ, आप मुझे बात तो सुनी मेरी। यार मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार नहीं रहना मैंने अब। तो मैंने कब कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या करें, तो ये फोन नहीं उठा दे। तो फोन उठा लो। हेलो। हाँ हेलो नेहा, कहाँ पे हो? हैदराबाद। हैदराबाद क्या कर रही हो तुम? काम से आई हूँ यार। अच्छा वापस कब आओगी? हुआ क्या है? तुम वापस कब आओगी? सुबह। अच्छा तो तुमने डायरेक्टली मेरे घर आना है, अपने घर नहीं जाओगी? ठीक है। हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस तुम आओ मैं तुम्हें बताऊंगी, सीधा मेरे घर आना है। अच्छा सही है, ओके आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। ओके ओके डन, बाय 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 बाय। भाई कोई ऐसी गेम करनी पड़ेगी कि ये खुद शादी के लिए मना करता है। वाह यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। दो घंटों में तूने यही बात सोची है? बेवकूफ। सोच तो मैंने सब लिया है, लेकिन यहाँ यहाँ बेटा यहाँ से यहाँ पर मुझे बता। सब बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा, लेकिन इन बातों की मैं लूंगा 2000 मन्नत। डन। नीच ऐसी सिचुएशन में भाई से सौदेबाजी करता है? जानता था तू कभी मेरा भाई था ही नहीं, तू सिर्फ पैसों का भाई है, पैसों का। दफा हो जा। पैसे तो देने पड़ेंगे भाई, बहुत बुरा फंसे हो। हेलो मामा। मामा जी को बताया कि हम कराची आ रहे हैं? बस दो तीन दिनों के लिए। दो तीन दिन के लिए? अगर तुमने रोहान को कोई फजूल सा प्लान दिया है ना, या कोई बदतमीजी सोची भी है, तो कान खोल के सुन लो, रिजवान जो है ना तुम दोनों की जान ले लेंगे। मामा आप मुझे ऐसे समझते हैं, कुछ मासूम पर शक कर रही हैं आप। मासूम? पैसों की खातिर ना तुम कुछ भी कर सकते हो। Are you sure तुमने भाई से कोई डील नहीं किया? मामा आपको लगता है कि मैं अपनी और अपने भाई की जिंदगी पैसों के लिए बात कर दूँ? ऐसा समझती आप मुझे? Very sad। अफसोस करने के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। कहती हूँ तुम्हारे डैड से टिकट्स करवाते हैं। बिहेव। Yes। Woohoo! कैसे मिलेगा हमें वो? हजारों रुआने इंस्टाग्राम पर, उसका पूरा नाम बताओ। मुझे क्या पता? SRK। What? No, बंद करो इसका इंस्टाग्राम, मैं तो नहीं देख रही हूँ। अरे भाई सैयद रुहान करीम SRK। दानिया ये बहुत अच्छा है, सुनो तो। SRK असली वाला होता तो मैं फौरन हाँ कर देती। एज इज जस्ट अ नंबर। दानिया इधर आओ, ये देखो। देखो ना, इधर देखो, इतना भी बुरा नहीं है। इधर आओ। मुझे नहीं देखना। इसकी शॉर्ट फिल्म भी है, नहीं वो देखते हैं। सिर्फ दो घंटे की फ्लाइट रहेगी, उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ सोचा या फिर
मैं सोचूं। ये लो, लूट ले मुझे। पहले ही बर्बाद हो गया, तू भी लूट ले। देखे ना भाई, कहाँ जा रहे? देख, आजा, आजा मेरे भाई, ले ले पैसे। छोटू, रेडी? अजीब डार्क ट्विस्टेड फिल्म बनाई है यार, जहर। डिप्रेशन पे कॉमेडी तो नहीं बनाएगा ना, इसे भी इतनी बुरी फिल्म नहीं बनाई उसने। नेहा जो इतनी डार्क और ट्विस्टेड फिल्म्स बनाए, उसका अपना दिमाग कितना डार्क और ट्विस्टेड होगा यार, वो सेंसिटिव थोड़ी ना होगा लड़का। नेहा, उसका नाम भी एसआर के है, मुझे तो उसकी हंसी भी एसआर के की तरह लगी। एक भी बात एसआर के वाली निकली तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। कहां से एसआर के जैसा लगता है, अच्छा खासा डिसेंट लुकिंग बंदा है। नेहा, एक एक्टर, पूरी दुनिया में एक एक्टर जो मुझे एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं है, वही नाम होना था उसका। गॉड सेक, दानिया कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो, उसका नाम सैयद रूहान करीम है तो एसआर के ही हुआ ना। और अंकल को भी पता है कि तुमसे एसआर के बर्दाश्त नहीं होता, तो वो ऐसा लड़का क्यों चूज करेंगे तुमसे शादी कराने के लिए। थोड़ा सा भरोसा रखो, उनको तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचता। नेहा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैं दादू को कैसे अकेला छोड़ के चली जाऊं यार। कहां के लिए है, अंकल हैं उनके साथ। अंकल कहां है, एक महीना कराची, एक महीना कनाडा, एक महीना ऑस्ट्रेलिया, कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। बे भाई, अपनी चप्पलें तो ले जाओ। दादी, दानिया नहीं मान रही। क्यों भाई? उसका नाम एसआर के है तो कहती है कि जिसका नाम एसआर के होगा वो एसआर के जैसे ही होगा। मिले बगैर वो इनकार नहीं कर सकती, समझ में आया? मैंने उसको बहुत समझाया है, वो समझ ही नहीं रही है। कह रही है या तो आप कॉल करके मना कर दें या वो खुद अंकल से बात कर देगी। देखो, अगर वो बगैर मिले इनकार कर देगी तो एहसान बहुत खफा होगा। हाँ, एसआर के, अच्छा खासा नाम है, सैयद रूहान करीम। एसआर के, ओ एसआर के, एसआर के कहाँ वो और कहाँ? Please watch your luggages. Hold the handrail. Mind your bag. जेब कतरे, भागी पकड़ मारेगा। सिर्फ 2000 मन्नत की तो बात है भाई, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। रेडी, मुंह दूर कर यार। लेकिन काम होने के बाद डन। हेलो चुन्नू। जी मामी, खैरियत? हाँ खैरियत ही है। वो मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि दानिया शादी नहीं करना चाहती। एक्चुअली वो शादी किसी से भी नहीं करना चाहती, उसका जी नहीं चाह रहा मुझे अकेला छोड़ के जाने के लिए। वैसे उसको वो लड़का भी पसंद नहीं है। क्यों? उसका नाम जो एसआर के है, अब दानिया को ये खतरा कि कहीं वो लड़का एसआर के की तरह ना हो। मम्मी, वो पहले लड़के से मिल तो ले, ये कौन सा तरीका है लोगों को जज करने का। और दूसरी बात है, आप अकेली तो नहीं रहेंगी, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ आप जाएंगी मेरे साथ शादी के बाद। व्हाट, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझे अपने साथ मुल्कों मुल्कों खाना बदोशों की तरह लेके फिरोगे? Not at all. मम्मी, No, I'm not going anywhere with you, okay? मम्मी, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दानिया, दानी, आ जाओ जल्दी से। देखो तो चन्नो ने कितनी अच्छी नहारी बनाई है, ये शक्ल पे रौनक है। अरे खास YouTube से रेसिपी निकाल के बनाई है, तुम चखके देखो। मुझे नहीं खानी। अरे साथ में लवाजमात भी है, रायता भी है, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, सब कुछ है। चन्नो ले जाओ इसे, मैं नहीं खाऊंगा। एक नहीं वाला
शनो ले जाओ इसे, मुझे भी भूख नहीं है। रहने दो, खाती हूँ मैं। क्या है निहारी है इतनी जबरदस्त? देखो तुमसे कहा है ना कि ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। एहसान जब तुम्हें कह रहा है कि लड़का पसंद ना आए तो इनकार कर देना, तो बस। दादा मैं बाबा को रिजवान अंकल के सामने एम्बैरस नहीं करना चाहती। देखो एहसान ने खुद ये डिसीजन लिया, अगर वो एम्बैरसमेंट होती है उसे तो होने दो, तुम क्यों फिक्र कर रही हो। ले लो मुंह खोलो। हाँ क्या मामा ने मुझे कभी ऐसे खिलाया? तो बता क्यों नहीं देती हैं आप मुझे? क्या बता दूं? क्यों छोड़ के गई मामा? अपने बाप से पूछना, मुझे बहुत काम है, नमाज पढ़नी है, और हाँ बाकी का खाना खुद खा लेना। मेरी दोस्त ने ड्राइवर को भेजा। हाँ, आप भी बिल्कुल बाबा की तरह जब भी ये सवाल आता है ना आप भागी चली जाती हैं। था तो मुझे कोई बताएगा कि नहीं कि उनकी आपस में बनती थी भी कि नहीं? बनती थी, बस बनती थी उनकी। तो फिर भाई कुछ चीजों में वो ठीक थी और कुछ चीजों में एहसान। मैं गलत किसी को नहीं कह सकती। हाँ सवेरा। हाँ हाँ अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सवेरा, कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपको बताना था कि बच्चे आ रहे हैं कराची, अपने मामों के साथ ही ठहरेंगे। जी बस बताना ये था कि कल आएंगे आपकी तरफ मिठाई लेके। मगर सवेरा अभी तक तो हम रोहान से मिले भी नहीं, तो फिर ये मिठाई मिठाई क्यों? कोई बात नहीं, आ जाएगा मिल लेगा। देखे एहसान भी तो मिल चुके हैं ना, तो उन्हें तो बहुत पसंद आया। उम्मीद है कि आपको और दानिया को भी बहुत पसंद आएगा। वो तुम्हें तो पता है ना कि आजकल के बच्चे अपने फैसले खुद करते हैं। हाँ हाँ तो कोई मसला नहीं है, अगर ना समझ में आया दानियों को तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वैसे देख लीजिएगा फ्रेडी भी साथ आ रहा है, शरारती है कुछ, अगर कोई शरारत करे तो दरगुजर कर दीजिएगा। देना बा यौ रुपए कम नहीं। दस नवे माल होने नहीं देखो, लोंडो माल दे। डील खत्म, रुक जा। जमा खुरई रागलन भांजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई शर्मा क्यों रहे हो, तुम लोगों का अपना घर है जो मैंने इतने सालों से संभाल के रखा। कैसी रही तुम दोनों की भाई? जबरदस्त। थक गए होगे, खाना तो नहीं खाओगे? भूख तो बहुत लगी है। अच्छा चलो फिर अंदर चल के देखते। आ जाओ। आ जाओ भाई आ जाओ। रोहान और फ्रेडी ये लो तुम लोगों का अपना घर। नहीं अम्मा को जरूर बताना कि मामा जी ने घर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा हुआ था, हर चीज को ढक के रखा हुआ था। हैं? आ जा। भाई ये स्मेल कैसी है? लगता है मामा जी ने कोई स्प्रे किया हो। रेडी रोहान बेटे कहाँ रह गए? देख लिया, तसल्ली हो गई है। सारे सोफों पे कपड़े डले हुए हैं, एक सिंगल सीट सिर्फ मैं इस्तेमाल करता हूँ, एक देख लो। अब देखो मालिक तो आ गए घर के, कल सुबह तक ये सारी चादरें मैं हटवा दूँगा, ठीक है? जेम्स से बोल दूंगा। मामा जी हमारे रूम्स? कमरा आपका वही ऊपर पुराना बचपन वाला है, नींद आ जाएगी ना कि मामू आए सुनाए। नहीं नहीं गुड नाइट मामा जी। गुड नाइट। हाँ हाँ जाओ आराम करो, मेरा ख्याल अब नाश्ता ही करोगे ना। तुम्हारा कमरा
good to be back. इतने सालों बाद यार। कितना ऊंचा लगता था बचपन में। हम छोटे जो थे। वही बैट। क्रेजी यार। हमारे जूते अभी तक यहाँ पड़े हुए हैं। ना कर यार। और इस पे हमने कितनी गेमें खेली हुई हैं। ये भी अभी तक है। फ्रेडी, ये मैंने बनाया था याद है जहाज। और पेंट किसने किया था? और इस बीन बैग में हमने कितनी रेसलिंग की है? तू हमेशा हारता था। हो जाए दो हाथ। बैट्स यार, क्रेजी। कैसे आते थे वैसे रोहान भाई? ये मामा जी बाहर किस चीज की डीलिंग कर रहे थे? वही पुराने कपड़ों का पुराना बिजनेस, लंडे का बिजनेस। नो वंडर नीचे पूरे घर में पुराने कपड़ों की स्मेल है। तभी फ्रेडी, रोहान आराम कर रहे हो? सब ठीक है ना? बिल्कुल। वो एसी का रिमोट अगर मिल जाता तो। क्या कहा? वो गर्मी है ना तो एसी ऑन करना था। तो बेटे कोई इंसानों वाले काम करो, जैकेट उतारो ना, उतार के रखो यार। और वैसे भी जिस चीज से बिजली का बिल ज्यादा है वो तो इस्तेमाल करना ही हराम है। अल्लाह बख्शे यार, तुम लोगों के नाना जान भी इसी वजह से बहुत हो। लेकिन नाना बू को तो हार्ट अटैक हुआ था ना मामा जी? वही वही यार, ना जाने उस साल बिजली का बिल पता नहीं कितना आया। खैर, मैंने तुम दोनों के लिए एक एक बाल्टी रख दी है वॉशरूम के अंदर, नहा लेना, गीले बदन के ऊपर ही कपड़े डालकर बाहर आता समझे, ताकि इस्त्री की जरूरत ही ना पड़े। बिल आता ना? ठीक है, तुम लोगों के फायदे की बातें, इस तरह क्या देख। सो जाओ। भाई, मैंने यहाँ आकर कहीं गलती तो नहीं कर ली? किसी होटल में स्टे कर लेते। मामू चाहते हैं एक ही अंडा और आधा ग्लास दूध भी। तुम दोनों अपना नाश्ता कर लो, देर हो रही है भाई, काम पे जाना। मैंने इतना शानदार नाश्ता तो इतनी महंगाई में तो इसी तरह का शानदार नाश्ता मिलेगा? अगर तुम्हें इससे ज्यादा शानदार नाश्ता चाहिए ना तो मेरी तरफ से तुम सरकारी मेहमान खाने में शिफ्ट हो जाओ। अगर ऐसी बात है तो हम होटल में शिफ्ट हो जाए, वहाँ इस तरह का शानदार नाश्ता मिल जाएगा और एलर्जी भी नहीं होंगी। एलर्जी हो गई? कितने नाजुक हो गए हो ना तुम लोग, बाहर रह रहकर अजीब और गरीब किस्म के लड़के बन गए हो। दो हफ्ते की बात है, लाइन में आ जाओगे तुम लोग। खैर, 4 बजे तैयार रहना, हमें लड़की वालों की तरफ जाना है। तुम लोगों की मामा का हुक्म है फ्रूट और फ्लावर लेकर। तो फिर फल कितने और फूल कितने? वैसे उन लोगों के घर में लोग ही कितने हैं? एक बड़ी भी है और एक लड़की। बड़ी भी को यकीनी तौर पर शुगर होगी, इसलिए आधा किलो मिठाई से ज्यादा नहीं लेनी और आधा किलो फल ले लेना लड़की के लिए, बस काफी होंगे। सबर सबर सबर, मामा ने आपको 20,000 दिए थे फल और फूल के लिए। अच्छा तो मैं कौन हूं? मामू। हाँ तो बेबी बेबी, यस मामू, नो मामा, बात करता है। हाँ शनो, आज वो लड़के वाले आ रहे हैं, बल्कि लड़के के साथ उसका मामू आ रहा है, ची चाप चो पता नहीं क्या नाम है, वो आ रहा है। घर की सफाई ढंग से कर लेना। मतलब खैर से दानिया बीबी की शादी हो रही है, अगर उसको लड़का पसंद आ गया तो। क्या हो गया? क्या ये क्या तरीका है? लगता है जैसे तुम्हें कोई फांसी होने वाली, खुदा ना खास्ता। ये फांसी से बदतर है दादू, प्लीज मुझे नहीं करनी शादी, ना इससे ना उससे ना किसी और से। दादू प्लीज कुछ करें। Let me think over it. ये ले और डालू? बस 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 बस, ये सैलेड। I think इस सिचुएशन में तुम्हारी एक इंसान मदद कर सकता है। कौन? और वो है है तो थोड़ा सा अकड़ू लेकिन काम का है।
दानिश। ओके परफेक्ट, मैं दानिश को कॉल करती हूँ। अरे खाना तो खा लो। आई आई गंद मचा के चलेगी। Approximately 5 seconds remain until impact. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamu alaikum, uncle. Danish, beta, ठीक हो? I'm good, uncle. आप बताइए. जब भी दानिया को किसी भी काम के लिए मनाना होता है तो मैं तुम्हें ही कॉल करता हूँ. बेटा मैं दानिया के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का चुना है अज़रबाईजान में. फिल्म मेकर है, मेरे दोस्त का बेटा है. मुअज़्ज़ब, एजुकेटेड, वेरी नाइस बॉय. अब दानिया से मिलना नहीं चाह रही. वो कह रही उसका नाम एसआर के है तो मैं उससे नहीं शादी करूंगी. बेटा अब सोचो, ये भी कोई बात है करने की? एसआर के मैं चाहता हूँ जरा तुम उसे मना लो तो एटलीस्ट वो उससे मिल तो ले. वो उसका भाई आ रहे हैं अज़रबाईजान से. मैं चाहता हूँ तुम उनका ख्याल भी रखो और जरा उन दोनों को मिलवा दो. ये कहानी थोड़ी आगे बढ़े. बेटा तुम्हें तो मेरी कंडीशन का पता है. मैं चाहता हूँ ये शादी एक महीने में हो जाए. और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं कैनेडा से शादी से 10 दिन पहले वापस आ जाऊं. श्योर अंकल. थैंक यू बेटा. आई नो कि आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन यू. ख्याल रखना अपना और मुझे बताता फिर क्या हुआ. और खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज. उठा लो यार दानिश. उठाता है यार एक तो. क्या हुआ? तो बात नहीं हुई दानिश से? नहीं, फोन ही नहीं उठा रहा. मुझे लग रहा है सो गया शायद. मैसेज करके छोड़ दो. मैं भी ट्राई कर लूंगी. हेलो दानिश यार, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और इस मसले से सिर्फ तुम मुझे निकाल सकते हो, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो. हो सके तो माम को भी साथ ले आओ, दादी भी तुम्हें कॉल करेंगी. सही है? ओके बाय. हेलो दानिश यार, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और इस मसले से सिर्फ तुम मुझे निकाल सकते हो, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो. हो सके तो माम को भी साथ ले आओ, दादी भी तुम्हें कॉल करेंगी. सही है? ओके बाय. रोहान भाई, रोहान भाई, भाई 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 भाई, मेरे और आपकी डील कितने में डन हुई थी? 2000 मन्नत. पूरे 5 कर दें और समझे कि आपकी जान छूट गई. मैं शादी कर लूंगा, 5000 नहीं दूंगा. ये फैडी का वादा है, वो आपकी शक्ल भी नहीं देखेगी, चीख चीख कर इनकार कर देगी. हाँ बात तो सुने. She doesn't like SRK, so? She hates him. So? No. No way. ये सब मुझसे नहीं होगा. ये मैं नहीं. अंकल के आने से पहले हम जा चुके होंगे. ये मैं नहीं कर सकता यार, मेरी टांगें कांपती हैं, जुबान अटकती है, हलक खुश हो जाता है. ये एक्टिंग वैक्टिंग मुझसे नहीं हो सकती. बात नहीं है. Think of something else. भाई! मैं हूं ना.